हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। लास्ट वीडियो हमने कालीबंगा सभ्यता और आहार सभ्यता, तो दो हमने कंप्लीट कर ली थी सभ्यताएं। आज हम करेंगे गणेश्वर सभ्यता और बैराट सभ्यता। तो आप लोग साथ में ही याद करते जाइए ताकि आप लोगों के पास मैटर इकट्ठा ना हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल समय को ना गवाते हुए गणेश्वर सभ्यता को पढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता जो है वह सीकर जिला और नीम का थाना तहसील में, ठीक है, कांतली नदी के पास विकसित हुई। अब कोई भी सभ्यता जो है, मैंने आपको बताया था, किसी भी नदी के पास में उसका विकास होता है ताकि वहां पर लोग जीवन यापन कर सके, वहां पर रह सके। इस सभ्यता का जो समय है वह है 3000 BC से 2800 BC, 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व से पुरानी है यह सभ्यता। इसके उत्खननकर्ता जो हैं वह हैं रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने 1977 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य किया था। उसी के एक साल बाद विजय कुमार ने 1978 से 1979 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य किया। कई बार एग्जाम में रतन चंद्र अग्रवाल ना देकर विजय कुमार दे दिया जाता है। अब आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आप गलत कर देंगे, तो दोनों ही नाम याद रखना है, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार, उत्खनन करता है गणेश्वर सभ्यता के। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर तांबे के उपकरण बहुत मिले। तो जननी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तांबे के उपकरण मिले। ताम्र संचय संस्कृति भी इसे कहते हैं। अब याद रखना है कि ताम्रवती नगरी हमने पढ़ा था आहार सभ्यता को, लेकिन ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। यहाँ तक कि यहाँ तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तक तांबा मिला। ठीक है, तो देखिए कितना शुद्ध जो है यहाँ पर तांबा था। 99% तक तांबा जो है यहाँ के उपकरणों और बर्तनों में मिला। तो यहाँ पर जो है तांबा इतना अधिक क्यों था? अब देखिए, सीकर के पास में जो है झुंझुनू पड़ता है, और झुंझुनू में खेतड़ी स्थान जो है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में तांबा पाया जाता है। तो जब भंडार इतने अधिक नजदीक मिले तो वहां पर तांबा तो बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। इसी वजह से गणेश्वर सभ्यता में हमें तांबे के उपकरण जो है वो बहुतायत मिलते हैं। मछली पकड़ने के तांबे का कांटा मिला। अब देखिए, मछली के पकड़ने का जो कांटा है वह भी तांबे का मिला। पत्थर के बांध मिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि पत्थर के यहाँ पर क्या मिले? बांध मिले, जो कि एकमात्र गणेश्वर सभ्यता है जहां हमें पत्थर के बांध मिले। तांबा परिशोधन कारखाना मिला। तांबा परिशोधन कारखाना यानी कि जो कच्चा तांबा होता था उसे शुद्ध रूप में लेकर आना, तो वह हमें फैक्ट्री मिली। कारण क्या था? मैंने आपको बताया कि पास में ही खेतड़ी थी, ठीक है, खेतड़ी में ताम्र भंडार की निकटता के कारण यहाँ पर तांबा परिशोधन कारखाना मिला। कोई भी फैक्ट्री वहां होती है जहां पर वो चीज जो है बहुत अधिक मात्रा में मिलती हो। मिट्टी के बर्तनों को कृपस्वर्णी मृतपात्र कहते हैं, जो कि काले और नीले रंग के थे। तो याद रखना है, काले और नीले रंग के जो मिट्टी के बर्तन जिन्हें कृपस्वर्णी मृतपात्र कहते हैं, कहां से मिले? गणेश्वर सभ्यता से मिले। अब देखिए, मकान जो है कच्चे व नीव पत्थर के, यही हमने आहार सभ्यता में भी पढ़ी थी, लेकिन आपके एग्जाम में यदि गणेश्वर सभ्यता और आहार सभ्यता दोनों आती है तो आपको आंसर लगाना है आहार सभ्यता को, जहां हमें मकान कच्चे और नींव पत्थर की मिली। गणेश्वर सभ्यता से भी मिली है लेकिन आपको आहार सभ्यता लगाना है। तांबे का बाण मिला, छेनिया मिली, उसरे के फलक मिले और अंगूठियां मिली। मिट्टी के दो प्रकार के बर्तन मिले, कौन कौन से? हल्के लाल रंग के, जो कि हड़प्पा पूर्व संस्कृति को बताते हैं, और दूसरे लाल चिकनी मिट्टी के मजबूत बर्तन। हल्के बर्तन भी मिले और मजबूत बर्तन भी मिले, ठीक है, हल्के लाल रंग के मिले और लाल चिकनी मिट्टी के मिले। देखिए, यहाँ पर तांबा इतना अधिक था कि उसका जो है व्यापार बहुत अधिक होता था, और यह व्यापार मध्य एशिया और पश्चिमी देशों में होता था।
तांबा जो है निर्यात होता था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके लिए क्या रहेगी, वैसे तो हर लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ी जा सकती। ये चीजें आपको याद रहती है कि गणेश्वर सभ्यता जिला सीकर तहसील नीम का थाना नदी कांतली। ठीक है, समय जो है इसका 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व। उत्खनन करता इसके रतन चंद्र अग्रवाल है और विजय कुमार है, और इसे हम कहते हैं ताम्र सभ्यता की जननी या ताम्र संचयी संस्कृति। वही आहड़ सभ्यता को बोलते हैं हम ताम्रवती नगरी। 99% तांबा के उपकरण हमें कहां से मिले, गणेश्वर सभ्यता से मिले। और देखिए, याद रखने वाली बात यह है, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा, पत्थर के बांध, ये हमें गणेश्वर सभ्यता से मिले। मिट्टी के बर्तनों को कृपस्वर्णी मृतपात्र कहते थे गणेश्वर सभ्यता में। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को अपने माइंड में बिठा लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है आहड़ सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता में। ठीक है।